जाबली पंचायत के लोग पंचायत प्रधान कल्पना गर्ग की अगुवाई में शुक्रवार शाम को जाबली पंचायत कार्यालय में जिला उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी से मिले और जाबली पंचायत को नगर नियोजन व साडा से हटाने की बात की। उन्होंने कहा कि जाबली क्षेत्र बनोग से गाहीधार तक करीब 21 वर्ष पहले साडा में लाया गया था, इसके बाद भी लोगों को केवल परेशानी ही मिल रही है, जबकि विभाग ने विकास के नाम पर क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं दी है। कल्याण संघ के लोगों ने हाईवे पर लगे सनवारा टोल प्लाजा के खिलाफ भी अपनी शिकायत रखी। सदस्यों ने मांग की कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बहुत कम मुआवजा देकर लोगों से जमीनों का अधिग्रहण किया है, परंतु स्थानीय लोगों को टोल प्लाजा से गुजरने पर कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। लोगों ने मांग की है कि 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाली पंचायतों को टोल प्लाजा में मुफ्त सुविधाएं दी जाए, और उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा बनाए गए पास तर्कसंगत नहीं है। जिला उपायुक्त कृतिका कुलहरी ने समस्याएं सुनने के बाद लोगों से कहा कि आप 12 दिसंबर के बाद कार्यालय आ जाएं, आपकी सारी बात को समझकर नगर नियोजन विभाग के अधिकारियों को बुलाकर इस बारे में विस्तृत चर्चा करके हल निकाला जाएगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन धर्मपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। पंचायत में वो है, उन्होंने 2000 में नोटिफिकेशन की साडा बना दिया, उसके बाद रेगुलरली पता नहीं मीटिंगें हुई भी इनकी कि नहीं हुई, कोई डेवलपमेंटल प्लान इन्होंने नहीं बनाया 20 साल से। अब जब नहीं बनाया तो अगर हमने एक गौशाला भी बनानी है ना मैम, तो हम लोगों को तो ये दिक्कतें आ रही है। कोई बात नहीं, अभी तो आप मैं 4-5 दिन आउट ऑफ स्टेशन रहूंगा, अच्छा तो 12 तारीख के बाद कभी भी आप समय ले लीजिए, फिर हम काइंडली हम आपका ये सहयोग चाह रहे थे कि आप गवर्नमेंट को रिकमेंड करें इसको कि भाई ये देखो प्रॉब्लम, लेकिन मेरे को पहले खुद को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना कि पहले क्या हुआ है। टीसीपी ना जी, हाँ इन दो पंचायतों में नहीं है, जाबली और कोटी, ये टीसीपी आता दूसरा सुनवा रहा हूँ अलग जो रास्ते यथास्थिति बनी रहनी चाहिए थी, तो किसी ने देखा नहीं इस तरह की, तो कोई प्लानिंग लोगों को परेशान करो। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट बोलती है जॉब क्रिएटर बनो, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी मैटर समझना होगा, तो डिपार्टमेंट वालों के साथ बैठ के हम इसकी दो चार विषय पेरेंटल है ना जी, जब किसी ने परचेज कर की मैं अपनी दुकान करूंगा अपना कोई, तो वो फिर बनाने नहीं दे, वो तो फिर मेरे समस्या वाली बात होगी, समस्या ज्यादा कर रहा हूं मतलब रूरल एरिया से इसको खत्म कर। मैम का क्या कहना है कि अभी 3-4 दिन के बाद आप आए मैम के पास ऑफिस में और मैम से टाइम ले लें, जिस दिन मैम टाइम देंगे उस दिन टीसीपी वालों को भी बुला लेंगे जो कि आपका बैठक होगा। मैम कागज ले आए कि पहले भी ऑलरेडी केस कभी गया है, हाँ सरकार ने कुछ ऑलरेडी कह रखा है, कई बार होता है सरकार के साथ बात हो चुकी होती है फिर वो कागजों में रह जाती है, आपको बताई नहीं गई है क्या पता, तो वो देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो जब कोई आप कहते हैं हम आ जाते हैं। दोनों पंचायत है ना ग्राम सभा में पास है, दोनों लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन धर्मपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।